नमस्कार साथियों साथियों, आज हम सेवन कृषि टूल्स के बारे में जानते हैं। ये टूल्स काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। तो हम जो भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी एनालिसिस करते हैं डाटा के लिए, वहाँ ये काफ़ी पॉपुलर टूल है। तो आज इसका हम देखते हैं साथियों। ये सेवन कृषि टूल्स हैं, ये हमारा डाटा कलेक्शन करने के लिए और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अभी मैं सेवन कृषि टूल के ही कुछ टूल्स यूज करते हैं। और डाटा एनालिसिस, जैसे एसपीसी की बात करूँ मैं तो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल की एनालिसिस करते हैं, तब भी हम इसका यूज करते हैं। और हम सिक्स सिग्मा, काइजन, 5S, 8D, एसपीसी, इन सब के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। तो मिस्टर ये प्रोफेसर कोरोस्काइबा जी ने कहा था, अगर 95% क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट वर्क कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सेवन क्यूसी टूल्स के, यानी कि 95% जो प्रॉब्लम सेवन क्यूसी टूल्स की मदद से सॉल्व की जा सकती हैं। 95% प्रॉब्लम ये सॉल्व करने में हेल्प करता है, खुद सॉल्व नहीं कर देगा, काम तो हमें ही करना पड़ेगा, बट ये इंडिकेट करेगा, प्रॉब्लम्स को बताएगा, एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। कैसे वो देखते हैं साथियों। ये है हमारा, इसमें हम देखते हैं इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, इसके फायदे बताता हूँ। और डिस्क्राइब द कॉस्ट, कॉस्ट को रिडक्ट करेगा। क्वालिटी इम्प्रूव, जैसे हम डिफेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो डिफेक्ट को हम सॉल्व करने के लिए, डिफेक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी, यील्ड इम्प्रूव होगी और कॉस्ट रिडक्ट होगी हमारी। जब हमारी जो डिफेक्ट्स आएंगे, स्क्रैप में पार्ट्स आएंगे, वो बचेंगे तो कॉस्ट बचेगी और प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव होगी और मार्केट में वैल्यू बनेगी हमारी। जब हमारे पार्ट्स कस्टमर के पास ओके जाएगा तो मार्केट में वैल्यू बनेगी और प्रोवाइड जॉब हमें मोर मिल सकती है। जैसे हम जा रहे हैं अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके पता होंगे, डाटा एनालिसिस करने के पता होंगे, तो हमें जॉब भी खूब मिल सकती है। तो आइए साथियों देखते हैं सेवन क्यूसी टूल्स। इसमें 7 टूल होते हैं हमारे। पहला चेक सीट, दूसरा होता है कंट्रोल चार्ट इन ग्राफ्स, इसको देखेंगे हम, और पैरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्केटर डायग्राम, और स्केटर डायग्राम स्टेटिफिकेशन, सॉरी स्टेटिफिकेशन, इसको हम समझते हैं। तो पहले समझते हैं चेक सीट। चेक सीट एक पेपर टूल होता है और ये डाटा कलेक्शन में मोस्टली यूज करते हैं इसको हम, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ, हमने कोई डिफेक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं इंस्पेक्शन पे, तो वहाँ एक हमने चेक शीट बना के दे दी, तो वो टैली में जैसे एक पीस आया तो उसने ऐसे टैली कर दिया, जैसे 5 पीस को काट कर दिया, इस प्रकार से वो चेक करता जाता है कितने पीस उसको कौन सा डिफेक्ट आया, क्रैक का कितना आया, जो भी डिफेक्ट्स आते हैं, ज्यादा डिफेक्ट कितने आए, तो इससे हमें पता जाता है कौन सा डिफेक्ट कितना आया और तुरंत उस डाटा को हम अपने एनालिसिस करते हैं। तो पहला टूल होता है चेक शीट, ठीक है। अगर हमारा कोई बड़ा पार्ट है, उसको हम कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं और उसको देखते हैं कौन सी लोकेशन पे, यानी इस लोकेशन पे वेरिएशन ज्यादा आ रहा है या इस लोकेशन पे वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम इसका टूल का यूज करते हैं। कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट साथियों 2 प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट वो होते हैं जो हमें रीडिंग देते हैं, जैसे बात करूं मैं माइक्रोमीटर से, वर्नियर से, हाइट गेज से, बोर गेज से, इनसे जो चेक करते हैं ओडी, आईडी, थिकनेस, तो ये हमारे सारे वेरिएबल डाटा होता है। और एट्रीब्यूट डाटा वो होते हैं पास, फेल, ओके, नॉट ओके, इनको हम एनालिसिस करने के लिए हम एट्रीब्यूट चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो साथियों आइए हम देखते हैं इनको, आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, इसमें वेरिएबल कंट्रोल चार्ट है। इसको हमने क्या किया, जैसे सैंपल हमारा है, सैंपल जो हम एक सैंपल लेते हैं, नंबर ऑफ सैंपल एक होता है, तब एक्स एम आर चार्ट यूज करते हैं, जो मूविंग रेंज चार्ट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जब सैंपल हमारे 2 से 10 के बीच में होते हैं, 2 सैंपल आने चाहिए कम से कम और अधिक से अधिक 10 सैंपल इसके बीच में हैं, तो एक्स बार और आर चार्ट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रेंज चार्ट, और एवरेज और रेंज चार्ट बोलते हैं इसको हम। दूसरा होता है जो टेन हमारे 10 से अधिक पार्ट होते हैं, हम इसको एसपीसी में यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। उस समय हमारे जैसे 100 पीस लेते हैं हम, एक शॉर्ट उसके लिए, एसपीसी के लिए, शॉर्ट टर्म एसपीसी करने के लिए, वहां इसको यूज करते हैं हम एक्स बार और एस चार्ट, एक्स बार और एस चार्ट, चूंकि हम शॉर्ट टर्म एसपीसी करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हम इसको एसपीसी को एनालिसिस करते हैं। जब स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हम एसपीसी एनालिसिस करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं साथियों। तो ये भी
अपने तरफ में, तो ये हम यूज करते हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं हम। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में दो दो प्रकार के होते हैं, इसके भी 7 प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सेल में बना रखे हैं पूरे चार्ट, अगर आपको समझना चाहते हैं एक्सेल में कैसे बनाते हैं तो वो भी मैंने पूरे ग्राफ के साथ बना रखा है। तो आपको एट्रीब्यूट के चार्ट के नाम से मिल जाएगा, उसमें सी चार्ट, यू चार्ट, एनपी चार्ट और पी चार्ट, ये सारे समझाए गए हैं कितने सैंपल पर कैसे ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या पर्पज है, वहां जाके आप देख सकते हो। साथियों कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट में मैं मेन चीज बताऊंगा, जैसे हमारे ये होती है अपर स्पेसिफिक लिमिट, ये लोअर स्पेसिफिक लिमिट। तो ये वाली जो डायमेंशन दी होती है, ये वाली विड्थ, ये हमारी कस्टमर की दी हुई ड्राइंग के अंतर्गत बनती है साथियों। और ये हम टॉलरेंस को निकालते हैं, इसको हम ये टॉलरेंस, ये कंट्रोल लिमिट और ये अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो ये कंट्रोल सेंटर लाइन होती है हमारी, ये सेंटर लाइन होती है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ डाटा को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि बात करूँ मेरा एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया, तो ये पॉइंट जो आया हमारा, इस पर एक्शन लेने की हमें जरूरत है, क्योंकि ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर निकल गया। तो ये भी एक केस होता है, और इसको हम एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा एक पॉइंट ये आया और दो सिग्मा में ये आया, इस केस में भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे पॉइंट भी नहीं आने चाहिए। अगर कंटिन्यू इसी साइड में चल रहा है तब भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसे भी नहीं चलना चाहिए। अगर हमारे 7 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी केस, ये भी हमारा जो का है ये गलत तरीका है, इस पर भी हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एक्शन लेने की हमें जरूरत है। अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4 इस टाइप से करके 14 पॉइंट आते हैं ऊपर नीचे, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम्स है, इसको भी हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, अपन नीचे आ रही है, तो प्रोसेस में हमारे कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो साथियों ये फार्मूले हैं, इनको आप फार्मूला देख सकते हो, ये ठीक है एवरेज या रेंज चार्ट के लिए यूज करते हैं, ये रेंज चार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है सब ग्रुप के लिए करने के लिए ये फार्मूला आपको आ सकते हैं। ये फार्मूला होते हैं उसको यूसीएल निकालने के लिए और सीएल सेंटर यानी मेन मेन निकालने के लिए, XR1 के लिए, एवरेज रेंज चार्ट निकालने के लिए, इन फार्मूलों को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे साथियों ये टेबल होती है, ये टेबल है हमारी, जैसे मैं बात करूं हमारे 5 पीस लेने हैं, तो 5 पीस की रीडिंग ये हमें तो हाईलाइट करके रखनी पड़ेगी, इसमें से ही हम लेंगे। जैसे बात किया मैंने इसमें ये, तो जहां से मैंने ये देखा A2 और D3 और D4 और D3, इसका हमने जहां से डाटा लेंगे, तो ये डाटा हम उसको लेंगे इस लाइन से, जहां से A का डाटा ले लिया और D3 का और D4 का डाटा ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं पारेटो, पारेटो में हम क्या देखते हैं, 80-20 का रूल देखते हैं। जो हमारे 20% प्रॉब्लम होती हैं वो बहुत मेजर प्रॉब्लम होती हैं, उन पर एनालिसिस करते हैं, और जो 80% प्रॉब्लम होती हैं ये हमारी प्रॉब्लम बहुत कम इफेक्ट डालती हैं हमारे प्रोसेस पर, तो इनको हम एनालिसिस करने के लिए 80-20 रूल का यूज करते हैं। तो साथियों इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप इसको मेरे गैलरी बॉक्स में जाके देख सकते हो। तो ये हम कैसे पारेटो बनाते हैं एक्सेल में, वो भी पूरा बताया गया है मैंने। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है मैन मशीन मटेरियल मेथड, इसको एनालिसिस करने के लिए करते हैं। ब्रांड इंस्टॉलमिंग करते हैं हम इसकी, नहीं कोई प्रॉब्लम करने के लिए ब्रांड इंस्टॉलमिंग करेंगे, जैसे हमारा मैन मशीन मटेरियल मेथड, तो इसके जो कॉज निकल के आते हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं और उसके हम प्रॉब्लम को देखते हैं, क्योंकि हमने पहले डाटा चेकशीट में बनाया था, फिर उसको हमने प्रोटाइज किया और उसके बाद हमने ब्रांड इंस्टॉलमिंग की, जो हमारा एक डिफेक्ट आया उसको हमने एनालिसिस किया। जैसे कोल्ड शॉट हमने आया था हमारा, कोल्ड शॉट में हमने पूरा इसकी ब्रांड इंस्टॉलमिंग कर ली, अब इसको हम एक डिफेक्ट को खत्म करेंगे कम से कम, ठीक है रिटर्न करेंगे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या है कि बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी बताता है कौन कितना पार्ट हमारा फ्रीक्वेंस हो रहा है। तो जैसे कि बात करूँ एक टेबल दी हुई है, इसमें ये हमारा टेम्परेचर आ रहा था इतना, तो ये काफ़ी डाटा है, इसे देखते हैं ये कितना फ्रिक्वेंट कर रहा है, किस टेम्परेचर पर ज़्यादा हमारा हो रहा है। तो ये हमारा SPC में यूज होता है फ्रिक्वेंसी देखने के लिए, तो ये इसका भी मैंने एक्सेल में पूरा बता रखा है, एक्सेल में इसको कैसे बनाते हैं ये भी वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा स्टेटिफिकेशन, स्टेटिफिकेशन क्या होता है, ये होता है हमारा, इसको हम बात करें ऑपरेटर वाइज, मशीन वाइज, मंथ वाइज, ईयरली वाइज डाटा को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमने सारे काम कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। अब देखते हैं ऑपरेटर की प्रॉब्लम है, मशीन की प्रॉब्लम है या हमारी मैन की प्रॉब्लम है,
किसकी प्रॉब्लम है, या नाइट में प्रॉब्लम ज्यादा आती है या डे में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ये सब डाटा हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो ये डाटा हमारा होता है स्टेटिफिकेशन। ठीक है साथियों, अगला टूल है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम होता है हमारा, इसके अंतर्गत हम दो एक्सेस के बीच की दूरी वो देखते हैं। जिसके हम बात करें, एक सी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन वर्सेस रिजेक्शन दोनों में क्या फर्क है। जैसे हम लाइन स्पीड बढ़ाते हैं या हम इसको उसकी साइकिल टाइम बढ़ाते हैं, तो साइकिल टाइम बढ़ाने के साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट रिजेक्शन भी बढ़ रहा है क्या, इसको हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम जो एक्सेस बनाते हैं, इसमें देखते हैं कि प्रोडक्शन के साथ साथ रिजेक्शन भी बढ़ रहा है या रिजेक्शन कम हो रहा है या कैसे बिखरा हुआ है। इस प्रकार से ये इनको हम एनालिसिस करते हैं। तो साथियों, ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, ये कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, आपने ये वीडियो मेरी पूरी देखी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ओके, थैंक यू वेरी मच।